स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको लेके आई हूँ लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में और ये बेहद खूबसूरत है, तो बने रहे आप मेरे वीडियो में और एक्सप्लोर करें इस पूरे मॉन्यूमेंट को मेरे साथ। दोस्तों मैं 2009 में यहाँ आई थी और अगर मैं तब से लेके अब तक अपने दिमाग में कंपेयर करूँ इस बिल्डिंग में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी अजनबी आएगा तो उसको यहाँ का रास्ता पता नहीं रहता, वो भटक जाता है अपने रास्ते से, एक कारण है, इसीलिए इसका नाम भूल भुलैया रखा गया। इसे अवध के नवाब असफुद्दौला ने 1784 से 94 के मध्य में बनवाया था। ईरानी निर्माण शैली की यह विशाल इमारत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में बनवाई गई है। इस इमारत की छत पर जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं जिसमें से कि 45 स्टेप से भूल भुलैया स्टार्ट होती है। दोस्तों नीचे तीन हॉल हैं, उनके बारे में हम आपको बता देती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग करना वहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अभी। पहले जो हॉल है उसे चाइनीज़ हॉल बोलते हैं क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है चाइनीज़ प्लेट की आकार में है, और जो दूसरा हॉल बना है बीच में वो एशिया का नंबर 1 हॉल कहा जाता है क्योंकि इस जो ये जो हॉल बना हुआ है इसके बीच में कोई भी खम्बा या पिलर नहीं है। इस हॉल में 270 ईयर्स ओल्ड बेल्जियम के ग्लासेस रखे गए हैं। उस ज़माने में ये इन्हीं ग्लासों से रोशनी किया करते थे। कैंडल स्टैंड रखे गए, नवाब असफुद्दौला बहादुर जी का डुप्लीकेट ताज है, उन्होंने 22 साल हुकूमत करी थी। ओरिजिनल जो उनका ताज है अभी इस वक्त लंदन में है। और जो तीसरा हॉल है उसे इंडियन हॉल कहते हैं जो खरबूजे की डिज़ाइन का बना हुआ है। बाकी जब आप आएंगे इसकी खूबसूरती और उसमें बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं खुद अपने आंखों से देखेंगे तो और भी आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर हर जगह चार रास्ते बने हुए हैं जिसमें से कि एक सही है और तीन गलत है। 330 फीट की लंबी गैलरी है और 2.5 फुट के रास्ते बने हुए हैं, और देखिए कितनी अच्छी कारीगरी है। कमाल की बात यह है कि ऊपर जाने के तंग रास्तों में इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है ताकि हवा और दिन का प्रकाश आता रहे। दीवारों को इस तकनीक से बनाया गया है, यदि कोई फुसफुसाकर भी बात करे तो दूर तक उसे आवाज़ सुनाई पड़ती है साफ। हमने आजमाया भी था, हम दीवार में कान लगा के जब बोल रहे थे तो दूसरी तरफ दूर खड़े होने के बाद भी दूसरी तरफ दीवार के आराम से सुनाई दे रही थी। सच में इस इमारत की कारीगरी बड़ी कमाल की है। ऐसे झरोके बनाए गए हैं जहां पे मुख्य दरवाजे से प्रवेश होने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखी जा सकती थी, जबकि झरोके में बैठे व्यक्ति को वह व्यक्ति नहीं देख सकता था।
आप सोच सकते हैं कि उस समय का सीसीटीवी कैमरा का काम क्या करते थे झरोके। इस इमामबाड़े का निर्माण नवाब असफुद्दौला ने सन 1784 में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत करवाया था। इस इमारत के निर्माण कार्य में उस समय यहाँ के लोगों ने काम किया। जो नामी लोग थे वो इस इमारत को रात को तोड़ते थे ताकि किसी को पता नहीं लग सके कि वो लोग काम कर रहे हैं और कोई उनका मजाक ना उड़ा सके। और जो साधारण व्यक्ति थे वो सवेरे के समय इसे बनाया करते थे, मतलब कि दिन के समय तो आम इंसान काम किया करते थे और रात के समय जो शहर के जो मशहूर लोग थे अकाल के कारण जिनका बिजनेस ख़त्म हो गया होगा तो वो लोग काम किया करते थे। तो कहा भी गया है कि यहाँ पे एक बहुत फेमस कहावत है कि जिसको ना दे मौला उसे दे असफुद्दौला, क्योंकि उस समय ये जो कार्य था उन्होंने समाज के लिए किया, लोगों को रोज़गार दिया जिससे कि वो अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर सके। तो इस इमारत को बनाने के पीछे उनकी नीयत बहुत अच्छी थी। हर फ्लोर एक जैसा दिखता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, सारे फ्लोर्स की खासियत यही है कि एक जैसा नज़र आता है। देखिए छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने रोशनदान से आप लोगों के लिए, नीचे के हॉल की वीडियो है कि नीचे का हॉल किस प्रकार से दिख रहा है, थोड़ा बहुत ही दिख पाएगा। ऊपर का डिज़ाइन भी आप थोड़ा देख सकते हो, तो बहुत ही सुंदर है, जब आप आओगे तो देखोगे। अभी यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है तो हम यहाँ से कुछ देख नहीं सकते, ये दीवारें इन्होंने बंद कर दी गई हैं। पहले ऊपर के फ्लोर से ऊपर टॉप तक भी आप जाते थे तो आपको नीचे पूरा नज़ारा दिखता था, सारे हॉल्स नज़र आते थे। अभी जो हमारे गाइड हैं कह रहे हैं कि अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काम तो उन्होंने बंद किया हुआ, अभी कुछ पता नहीं कि ये खोलेंगे भी या नहीं खोलेंगे, कि क्योंकि डर भी रहता है कि ऊपर से लोग झाँक के देख रहे हैं कोई गिर ना जाए, तो हो सकता है कि सेफ्टी रीज़न के कारण उन्होंने बंद कर दिया हो। नहीं तो आप जब ऊपर से खड़े होकर हर फ्लोर से आराम से नीचे के सारे हॉल्स का नज़ारा देख सकते थे। ये देखिए ये जो आप आर्चेस देख रहे हो सब, इसमें कितनी सुंदर सिमेट्री है, सारे आर्चेस का जो सेंटर पॉइंट है वो एक है। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर की खूबसूरती है कि जो भी आर्चेस हैं वो बेहद खूबसूरती से बनाए जाते हैं, उसमें सिमेट्री का विशेष ध्यान रखा जाता है। और लखनऊ में नहीं, हमारे आगरा में भी और कई शहरों में जहाँ पर भी आप जाएंगे इस्लामिक आर्किटेक्चर देखेंगे तो ये आपको खूबसूरती आर्चेस से नजर आएंगे कि उनकी जो सिमेट्री है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं टॉप फ्लोर में, यानी कि इस इमारत की छत पर, और यहाँ से नज़ारे आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे। दूर दूर के व्यू आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से पिक्चर गैलरी, नींबू के बाग, स्टेडियम, छोटा इमामबाड़ा, घंटाघर, पिक्चर गैलरी, सतखंडा सब दिखता है, जो कि इसके थोड़ी दूरी पे ही है, सब कुछ पास पास में है। और कितनी सुंदर हवा चल रही है, वाह मज़ा आ गया, पूरी जो गर्मी लग रही थी तो राहत आ गई, बहुत अच्छी हवा चल रही है। अब मैं आपको शाही बावली दिखा रही हूँ जो कि इमामबाड़ा के अंदर ही है, और ये देखिए सामने आप जो देख रहे हैं नीचे आर्च बना हुआ है, इसके अंदर की साइड पानी भरा हुआ है, जो भी यहाँ से प्रवेश करता था तो उसकी सूरत उसमें दिख जाया करती थी। एक प्रकार से आप देख लीजिए कि यहाँ का सीसीटीवी कैमरा है, उन लोगों को पता चल जाता था कि दुश्मन आ रहा है या दोस्त आ रहा है। ये एंट्रेंस गेट है, वहाँ से प्रवेश करके अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ भी अंदर काफ़ी अंधेरा है, मोबाइल की फ्लैश लाइट ही लगा के हमें देखना पड़ रहा है, और हर झरोके से बेहद खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये यहाँ पे कुआं है, बहुत ही गहरा है।
आगे है, तो प्रवेश करने का रास्ता अलग है। आप देख सकते हैं उस तरफ से लोग प्रवेश कर रहे हैं और कैसे बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि असफी मस्जिद है और यहाँ पर गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मस्जिद की दो सुंदर मीनारें भी आप देख सकते हो। और अब हम बड़े इमामबाड़े से बाहर जा रहे हैं। पास में ही रूमी दरवाजा है, इसे भी नवाब असफुद्दौला ने अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत बनाया था। बहुत ही सुंदर दरवाजा है और यहाँ पे लिखा गया है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। ये यहाँ का एक फेमस डायलॉग है, हर जगह अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में। काफ़ी जगह मैंने देख लिया और हाँ क्यों नहीं मुस्कुराए भाई, हम नवाब के शहर में हैं। सामने आप जो देख रहे हैं ये है यहाँ का क्लॉक टावर और क्लॉक टावर के पास में ही पिक्चर गैलरी भी है। अभी हम जा नहीं रहे पर आप देख सकते हो सारे जो मॉन्यूमेंट्स देखने का जो एरिया है वो सब आसपास ही है, बड़े इमामबाड़े के आसपास, तो आपको काफ़ी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस में आप आराम से एक दिन में सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। दोस्तों अब मैं पहुंच चुकी हूँ छोटे इमामबाड़ा के पास। इसका एंट्रेंस गेट है, बेहद खूबसूरत है। इसे 1838 ईस्वी में अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह द्वारा बनाया गया था। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। अंदर जो हॉल है उसमें बेलजियम के ग्लासेस रखे हुए हैं। अभी हम ऐसे एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे अवध के तीसरे राजा राजा मोहम्मद अली शाह बहादुर की बेटी यानी राजकुमारी आसिया बेगम का मकबरा बना हुआ है, जो कि ताजमहल की कॉपी की तरह दिखता है। देखो बिल्डिंग के दोनों साइड आपको दिख रहा है ताजमहल की कॉपी की छोटी इमारतें बनाई गई, इस साइड भी और उस साइड भी, जिनमें से कि एक जो है उनकी बेटी का मकबरा है। और पानी में इनका जो रिफ्लेक्शन है वह बेहद खूबसूरत दिख रहा है। वाओ, आप यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं अभी क्योंकि शाम का समय है, बंद ही होने वाली, बस इमारत का बंद होने का समय होने वाला है। पर देखो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है पानी में, इतने सुंदर फूल लगे हुए हैं। गार्डन्स को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करा हुआ है। ये वीडियो मैंने 3-4 महीने पहले बनाई थी, अभी पोस्ट लेट कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी, कुछ कारणवश पोस्ट नहीं कर पाई थी। गार्डन्स देखिए कितने अच्छे से मेंटेन करे हुए हैं। तो आप अगर बड़ा इमामबाड़ा देखने आते हैं तो ये सारे जो छोटे मॉन्यूमेंट्स आसपास हैं इन्हें भी ज़रूर घूमें, आप बहुत एंजॉय करेंगे। वास्तव में लखनऊ घूम के बहुत ही मज़ा आया, आप लोग यहाँ पे ज़रूर आए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। बाय।